मैं गरीब हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? पता है, मैं ना सोच रहा था, आजकल जो चीजें हो रही है ना इस देश में, उस हिसाब से मानव जात बहुत जल्द बदलने वाली है। हो सकता है तुम्हारे पोते या परपोते तुम्हारे जैसे ना दिखे, हो सकता है उनका सिलेंडर जैसा शरीर हो, हॉकी स्टिक जैसा पैर और मुंह से आग उगलते हो सकता है वो भारी मात्रा में इकट्ठे होकर एक चूतिए से बाबा के लिए दंगे करे। ये तो हो चुका है, कुछ भी हो सकता है यार। खैर, मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिला है जो मानव जात को इसी दिशा की तरफ ले जा रहा है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। मैं गरीब हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं गरीब हूँ। मुझे पता तुम्हें लग रहा होगा कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी, लेकिन ये एक बहुत ही उद्यमी बालक है। आओ देखें इसने एक महीने क्या क्या बकचोदी पेली। बुरे वक्त पे मेहनत सबको बेकार लगेगी, ये तू क्या कर रहा है? जब अच्छे वक्त आ जाने दो, सब बोलेंगे मुझे पता था तू जरूर सक्सेस होगा। भगवान करे ऐसी लत किसी को ना लगे, ये आधा पौधा आधा इंसान है, अपने होठों में मच्छर दबा लेता है। ये पूरा वीनस फ्लाईट्रैप वाला सिस्टम है, पकड़ा मसला पचाया हक दिया। मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, कितना पैसा मारू हूँ मैं? माँ मैकडी जा रही है, केएफसी जा, हम लोग अमीर हैं। मेरे मम्मी पापा मुझे अमीर जन्म दिए। बेटी चोद। ओहो बहन चोद, जमाना ये नहीं चाहता। भाई मेरे, तूने गांड मटकाई तो मटकाई, लेकिन ये टॉवल में से स्नीक पीक क्यों दे रहा है यार? आए हाय, कितने काले अंगूर। लत लगी। ठीक है भाई, हेलमेट पहन लेता हूँ, जल्दी बैठ जाओ। ओके हाँ। लेटरिन लगा है साले को। क्या बोल रहा मेरे भाई, अच्छा से बोल, अच्छा से बोल। चल बैठ। अबे बोलो। ये पहला इंसान है जो अपने बदन पे चुल्लू भर पानी डाल के ऑर्गेजम प्राप्त कर सकता है। बहुत ऑफर आ रहे हैं ऐसे हॉलीवुड से, यहाँ तक कि स्टीवन भाटी जैसे बड़े बड़े लंके टोपे से कॉल करके पूछ रहे हैं, भैया जी एक बार गांड मटका दीजिए, एलए की लड़कियाँ ट्वर्क करना भूल जाएंगी। लेट्स गो, आई एम जॉन सिना। मैं बहुत हूँ तो डराती क्यों है साली, डरा क्यों नहीं? मार मॉडल भाई सुन ना, कोई ऐसा तेल बता जिससे मेरे सर के बाल जल्दी हो जाए यार, कोई ऐसा तेल बता। बस सरसों तेल ले ले भाई, एकदम बड़ा हो जाएगा, 2 महीना में पूरा बड़ा। भाई सरसों तेल से तो मम्मी पूड़ी बनाती है, कोई दूसरा तेल बता यार। सांडा का तेल यूज कर ले, इतना बड़ा हो जाएगा, एक हाथ लंबा होएगा। अभी रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। जो सांडा का तेल लगाऊंगा यार, कुछ दूसरा तेल बता जिससे अच्छा बाल उग जाए। अभी केस्किंग का तेल यूज कर, वो तो बाल के लिए बना है। भाई वो तो कभी लगा ही नहीं सकता हूँ यार, मम्मी तो देगी नहीं, मम्मी का फेवरेट है केस्किंग, कोई दूसरा तेल बता यार, एकदम फंटास्टिक। भाई एक अच्छा सा ट्रिक बताऊ, उसमें कुछ नहीं लगाना होगा, डायरेक्टली बाल उग जाएगा। बताओ अब जाके मुझे लगता है कि तू सही तेल बताएगा, पेट में छिपा के रखा है इतना देर से। बड़ा भाई बता। भाई और कुछ प्रोडक्ट नहीं बचा भाई, इंडिया का सब प्रोडक्ट बता दिया तुझे, अब मेरा ऊपर का ले ले और मेरे नीचे का ले ले भाई, और कुछ नहीं बचा भाई। राजा जी क्या लग रहे हो, बाराती लग रहा है भोसड़ी के, जो नाचते नाचते पैसे चुराने वाले बच्चे भगाता है। इसकी हरकतें यहीं खत्म नहीं होती है, ये जानवरों के नए नए नाम रखते। कल एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया, वो बोली भैया मैं बहुत काली हूँ।
ऊपर से लेके बहुत काली हूँ। तो मैंने बोला तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारा दिल नहीं। देखो मुझे कोई शौक नहीं है इनमें बार बार माथा फोड़ने का, लेकिन जब खुद ही कोई झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूँ। तो उसने बोला भैया मैं जब स्कूल जाती हूँ, जब मैं ट्यूशन जाती हूँ, जब मैं अपने मोहल्ले से निकलती हूँ, तो सब मुझे ऐसे घूरते जैसे मैं क्या ही बताऊं, मुझे घुटन सी महसूस होती है। तो मैंने उसे बोला तुम्हारी माँ से जरा पूछना कि माँ आपने मुझे काला क्यों जन्म दिया है। तो वो मुझे फिर से आके बोली भैया मैंने माँ से भी पूछा पर माँ ने मुझे कुछ गलत नहीं बोला, मेरे माँ ने बस एक ही आंसर दिया, मेरा बच्चा जैसा भी हो मेरा है ना, मेरा बच्चा अगर विकलांग भी पैदा हो ना तो मैं फेंक नहीं दूंगी क्योंकि मेरे पास दिल है। फटेले क्वांटम का नतीजा कैसा लगा मेरा मजाक? मेरी सोनिया बिटिया तू मेरी बेटी है, तुझे लोग क्या कहे मुझे वो फर्क नहीं पड़ता, तू मेरी बेटी है। मैंने जिंदगी से एक चीज तो सीख लिया कि माँ जैसा दिल किसी के पास नहीं हो सकता। कौन सी पुसी है, कैसी पुसी है, किसकी पुसी है मुझे नहीं जानना। अब इसने सोचा मुझे अपनी बकचोदी दुनिया के हर कोने में फैलानी चाहिए, इसलिए इसने पहाड़ चढ़ने का फैसला लिया। आओ देखते हैं इसका ट्रैवल व्लॉग। कल अंधेरा पे था तो कोई पूछता नहीं था, आज उजाला पे हूँ तो आज सामने से कॉल आता है। जय हिंद दोस्तों। बेचारा कितना ठिठुर रहा है, अगर गूगल पे सर्च मारोगे ना पहाड़ पे ठिठुरता हुआ आदमी सबसे पहले इसकी तस्वीर आएगी। अरे ऐसे ठिठुरता है कोई, ब्यूटी शॉट चल रहे हैं, कैमरा एंगल चेंज हो रहा है, मेरा तन बदन कांप रहा है। हाँ तन बदन धन सन सब कांप रहा है। चेंज तुम बहुत खूबसूरत हो। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, प्लीज इस बंदे पे यार हेट मत देना, जो कहना था मैंने कह दिया, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 2 लाख। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ अपनी तपिश मिटाओ या ऊर्जा पैदा करो, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय। मोहित तेरे को कितनी बार समझाया झमुंडा की चड्डी ओढ़ के नाचना बंद कर। शिकारा चलाते चलाते हमारा आदिल था।